हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल निखिल एक्जोटिक बर्ड्स पे। आज मैं अभी ये दोपहर के टाइम ऊपर चढ़ रहा हूँ। मेरा सेटअप जो है वो तीसरी मंजिल पे है, तो ये सभी मेरी आवाज़ सुन के चिल्लाने लग गए। तो आइए दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से ये आ गया अपना सेटअप। मैंने अपने छत को इस तरीके से रख रखा है। यहाँ भी एक गेट है बाहर जाने का। यहाँ कपड़े सुखाए जाते हैं और इतने भाग पे मैंने एवियरी बना रखी है। और ये यहाँ का व्यू देखिए, सामने की तरफ है धन माता का पहाड़। ये देखिए, ये पूरा व्यू है। ये इस तरफ फतेहगढ़ी है। चलिए फिर से अंदर चलते हैं। देखिए, मैंने इस तरीके से बना रखा है कि अगर बाई चांस कभी एक में से बर्ड निकल भी गया एवियरी से, ये तो सभी पिंजरों में रहते हैं, इनमें से भी कोई निकल गया तो ये इतने इतने में अंदर घूमेगा। और बाहर से अगर कोई बर्ड, जैसे ये खुला है कि मार देखिए, तो अगर बाहर से कोई अंदर आ जाता है तो भी अंदर जाने के लिए खाली यही जगह है और अंदर रूम है। ये हमारा पाइनएप्पल कोनियर है, ये बार बार अंदर आ जाते हैं दोनों। ये देखिए, ये मेल है, इसका डीएनए मैंने करवाया नहीं है। और बाकी तो ये बच्चीस के लगा रखे मैंने, सब में ब्रीडिंग चालू है। और ये भाई साहब को मैं लाया था सिर्फ 10 से 15 दिन का। ये मेरे एक मित्र ने उनके घर के बाहर गिरा हुआ मिला था तो मुझे दे दिया था, तो मैंने इसको हैंड फीड करा के बड़ा कर दिया और इधर छोड़ दिया। अभी इसको मैं रिलीज़ कर दूँगा वाइल्ड में, खुले में छोड़ दूंगा, क्योंकि ये इंडियन बर्ड है, ये बाहर अच्छा लगता है। इसकी कंडीशन अभी अच्छी हो गई, बीच में छोड़ रहा था मगर पंख इसके थोड़े से निकले हुए थे, क्योंकि एडल्ट होता है बर्ड तो फिर वो क्या, और अपने पुराने पंखों को झाड़कर नए वापस आते हैं, तब मैं इसको छोड़ नहीं पाया। मगर अब इसको मैं एक दो दिन में छोड़ दूँगा। ये देखिए, ये वापस हो गया। इसको डव बोलते हैं, इंडियन डव है। ये कॉकटेल है। आज मैंने सुबह सबको सॉफ्ट फूड की जगह सीड मिक्स ही दिया था, क्योंकि दो दिन से मुझे बुखार आ रहा था तो मैं टाइमिंग पे बार बार आके एक दाना डाल नहीं सकता था। आज थोड़ी तबीयत सही है तो मैं वीडियो भी काफ़ी टाइम बाद, 2 से 3 दिन बाद आपको वीडियो मेरी देखने मिलेगी। ये देखिए, ये जावा की कॉलोनी है, इन्होंने नेस्टिंग कर रखी है। जो भी प्रोग्रेस आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारा ग्लाइडर फैमिली अंदर सोई हुई होगी। ये देखिए, ये हमारी शुगर ग्लाइडर फैमिली है जो अंदर सोई हुई है। देखिए, और नीचे जावा जंबो साइज जेब्रा की कॉलोनी है। अभी किसी को दाना पानी डालना है नहीं मुझे। ये भाई साहब देखिए, अब मेरे के बैठ गए। इसका ये स्टेन है, मेरी ये चेयर है। देखिए, मैं ये चेयर इन्होंने साथ गंदी कर रखी है पूरी। ये चेयर है, मैं इधर आके बैठ जाता हूँ और ये भाई साहब इनकी चेयर के ऊपर आके बैठ जाते हैं। ये देखिए, बस ये बैठे रहेंगे मेरे पास।
ये भी दो बच्चे थे पाइनएपल कोन्योर के मेरे पास, और दोनों को हैंड फीड पे लिया था। और इसके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हुई थी कि जब मैं हैंड फीडिंग में, क्योंकि मेरे पास टोटल हुए थे पांच बच्चे, पांचों पांच बच्चे निकाले थे फीमेल ने, मगर मेल फीमेल इतने अग्रेसिव थे, रोज़ मुझे एक बच्चा कम दिखाई देता था। तब लास्ट में ये दो दिखने लगे, तब मैंने सोचा कि अब इनको हैंड फीड पे ले लेना चाहिए। तब मैंने जब इसको हैंड फीड से ले रहा था, बॉक्स से निकल रहा था, तो फीमेल ने इसकी बीक यहाँ से थोड़ी सी तोड़ दी थी। ये देखिए आपको ये जो स्पेस दिख रहा है ना, चोंच और दोनों ऊपर नीचे की चोंच के बीच में एक स्पेस है, तो तोड़ दी थी। मुझे लग नहीं रहा था कि ये ज़िंदा रह पाएगा, मगर फिर भी मैं इसको, मेरी बनती कोशिश, मैंने फीडिंग वगैरह दी, ट्रीटमेंट दिया, सब किया, और ये तो बच गया। मगर इसके साथ का जो था वो नहीं बच पाया, उसको कुछ भी नहीं हुआ था, मगर फिर भी किस कारण से मरा वो मुझे पता नहीं पड़ा। क्योंकि जब साइड पे जाता हूँ मैं, मेरे कैटरिंग के ऑर्डर होते हैं, तो मैंने अपनी वाइफ को भी सिखा रखा है हैंड फीड कराना, तो वो हैंड फीड करा रही थी तब हुआ, या क्या पता क्या कारण रहा, या फिर उसने नियोपेक्टिन नहीं मिलाई, किस कारण से मरा। बाकी एक मर गया और एक ये रहा। अब ये है भाई साहब, वो हमारे क्या है, प्रिय मित्र है, ये हमारे पास यहाँ आते ही ऊपर आके बैठ जाते हैं। और ये भी हैंडटेम है, मगर ये थोड़ा सा डरता है, बाकी काटता वगैरह कुछ नहीं है। और ये लव बर्ड की कॉलोनी है। लव बर्ड की कॉलोनी में एक ये प्रॉब्लम है मेरे को कि मुझे पता नहीं पड़ रहा है कि इसके अंदर मेल फीमेल है भी कि नहीं है। मैंने बॉक्स लगा रखे, बस ये घोंसले ले जा के जमाते हैं। मेरा फर्स्ट टाइम है लव बर्ड के अंदर, मैंने ख़रीदा था पूरा लोड, छः पैर थे, मैंने नसीराबाद से लिए थे, एक मित्र है उनसे। अब इनके अंदर क्या है कि ज़्यादातर शायद मेरे हिसाब से मेल ही है, और ये मतलब बिगड़ की चीज़ है, क्योंकि क्या ये मौसम जैसे ही बदलता है, इनके ऊपर ज़्यादा आपको ध्यान देना है। और ये चिड़चिड़ा जानवर है, बच्चे मार देता है, दूसरे बर्ड के साथ रख नहीं सकते आप इसको। और ये एक होगोमो बज्जीस का पेयर है, फीमेल अंडे पे बैठी हुई है, मेल बाहर है, और एक बच्चा नहीं, फीमेल भी नीचे है, एक बच्चा ब्लू का निकला हुआ था अंदर वाले का, तो मैंने इसके साथ छोड़ दिया। और ये है हमारे राजा भैया, राजा भैया हेलो। इसको हमने रानी से अलग कर दिया है, क्योंकि रानी इसको बहुत मारती थी, और क्या पता उसका एक पंख ऐसा तोड़ा तो उसमें से ब्लड निकलने लग गया, तब से मैंने इसको अलग कर दिया है। ये फुल्ली टेम है, फुल टेम बर्ड है, देख सकते हैं आप। बेटा क्या, बेटा क्या हुआ? ये देखिए, ये मेटिंग प्रोसेस पूरा है, मगर ये रानी के साथ नहीं है, ये मुझे फीड कराने के लिए उगलना चाहता है। इसके बाद ये इधर से धूप आ रही है, इसलिए कैमरे में सही नहीं आ रहा। दो दिन से, तीन दिन से मैं कचरा भी नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी भी नहीं थी कि मैं ऊपर आके इनकी साफ़ सफाई भी करूँ। तो हल्का सा झाड़ू लगा के, और मैं अपनी वाइफ के साथ आता, तो वो सबको दाना पानी डाल देती और मैं बता देता कि इधर इधर ये करना है। अब थोड़ा ठीक हुआ हूँ तो देखिए फिर वापस क्लीन कर दूँगा। राजा, ये हमारा एनी है, एक डॉग है मेरे पास सिज्जू, उसका नाम एनी है, ये उसका नाम भी लेता है। अफ्रीकन ग्रे की खासियत बताऊं मैं आपको कि ये किसी भी एज में बोलना सीख सकता है, पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि जैसे आप बच्चा लाओगे और तब सिखाओगे तभी बोलेगा, ऐसा नहीं है। अफ्रीकन ग्रे दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट पैरोट है, इसके अंदर 5 साल के बच्चे जितना दिमाग होता है,
ये इजीली आपकी वॉइस को कॉपी कर सकता है, इसकी एबिलिटी यही है। और सेक्सुअल मैच्योरपन जब आता है, जैसे मैच्योरपन कहते हैं कि ब्रीडिंग लायक कब होते हैं, तो ये ब्रीडिंग लायक आपके 5 से 6 साल में होते हैं। परफेक्ट 5 से 6 साल चाहिए इनको। अभी ये देखो इसकी आंखों का कलर देखो, ये फुल मैच्योर है। और इसकी आंखें देखिए, ब्लैक है, फिर येलो है, फिर इसके बाद भी ब्लैक और हल्की सी केसरी केसरी आने लग गई है। और इसकी जो बनावट है देखिए, बहुत खूबसूरत है। देखिए एक अंदर बोल रहा है, एक ये बोल रहा है मेरा वाइल्ड पेयर है, वो भी बोलने लग गया है इनको देख के। ये देखिए मेटिंग के लिए फुल्ली एडल्ट हो चुका है, मगर फीमेल से बॉन्डिंग नहीं बन रही है, डरता है। अब टेम बर्ड में यही है कि टेम बर्ड कभी ब्रीड, बहुत रेयर ब्रीड करता है, बाकी आपका टेम बर्ड कभी ब्रीड नहीं करेगा। प्लीज़ ले, अगर ब्रीडिंग के हिसाब से लेना हो तो आप अपने सेमी टेम बर्ड ले, वाइल्ड बर्ड ले, वो इजीली ब्रीड कर लेता है। मगर टेम बर्ड में क्या होगा, जब भी उसने आपके अंडे दे रखे हैं बॉक्स में अगर सपोज, और आप जाओगे तो वो अंडे छोड़ के बाहर आ जाएगी फीमेल, ये बच्चे को खिलाते खिलाते बाहर आ जाएगी। और आपको उसको फिर अलग ही रखना पड़ेगा, जहाँ आप दिन में बहुत कम आ सको जा सको तो ही वो ब्रीड करेगा, बाकी तो नहीं करेगा। मैंने तो साल भर से इनको साथ में रखा, रहते साथ में, मगर कोई वो नहीं है इनके अंदर, बॉन्डिंग नहीं है। ये सभी मेरी बजीज ऊपर बैठी हुई है, एक पानी का बर्तन मैं ऊपर रखता हूँ उधर, ताकि क्या है इन सभी के पानी का इधर हो जाए। ये ककटल का कॉलोनी के अंदर ये अल्बाइनो पेयर है मेरा, ये अब ब्रीडिंग के लिए तैयार है। एक ने अंडे दे रखे हैं जिसके साथ मैंने, अल्बाइनो मेल है मेरा, मेरे ही घर का ही बच्चा है रेडाई, इसने मेल है वो, उसके साथ मैंने ब्लैक फीमेल लगा रखी है, ब्लैक फेस। ये फीमेल है और अल्बाइनो मेल है उसके साथ, उसने अंडे दे रखे हैं, मेल शायद अंडे पर बैठा होगा। और कुछ शेर है, वाइट फेस स्पाइड है, लुपिनो है, डार्क लुपिनो है, और ये भाई साहब ऑफिस कैमरे में देख रहे हैं, रियल भाई है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरे पास अगर कोई नया बर्ड और आया तो मैं उसकी अपडेट आपको डालता रहूँगा। और थैंक यू सो मच।